जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 आपका लेसन जो आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 सेकेंड क्वार्टर, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका सेकेंड क्वार्टर में यूनिट 2 और 3 हमने स्टडी करना है। यूनिट 2 हमने आज जो स्टडी करना है दैट इज़ अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक जो कि आज के लिए है मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह। इनके बारे में आपने पढ़ लिया, उनके डिफरेंसेस क्या थे। फिर अब बात आती है जनरेशंस की, कंप्यूटर में जनरेशंस किस तरह से काम करती हैं। तो कंप्यूटर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फाइव जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जनरेशन हम इस बेस पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों में फर्स्ट जनरेशन किस तरह से कहते हैं कि एक ख़ानदान में जो पहली नस्ल, जिन्हें हम कहते हैं कि जो दादा थे वो जवान हुए, फिर उनके बाद उनके बच्चों में से हमारे वालदैन, और फिर हम लोग हम थर्ड जनरेशन आ जाते हैं। फिर जो हमारे बाद आएंगे दैट विल बी फोर्थ जनरेशन, और उनके बाद जो आएंगे दैट विल बी फिफ्थ जनरेशन। इसी तरह कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं जनरेशंस की, तो मशीन्स होती हैं, मशीन्स को हम डिवाइड करते हैं जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। उस वक्त के जो पुराने कंप्यूटर थे 1937 से 53 तक की अगर बात करते हैं, तो उस वक्त जो कंप्यूटर थे उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उनकी बुनियाद पे उन्हें क्या नाम दिया जाता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो अब उनके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या थे, वो बहुत बड़े थे साइज़ में, उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में रखा जाता था जहाँ पे रूम्स जो थे उनको ठंडा रखा जाता था यूजिंग एयर कूलर्स वगैरह, या आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो उस वक्त अवेलेबल था वो। और उस वक्त ये कंप्यूटर क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरिंग डाटा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, और दूसरी चीज़ इनमें स्टोरेज के लिए क्या यूज़ हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम्स। फिर थर्ड में उनका फीचर ये है फर्स्ट जनरेशन का कि बहुत एक्सपेंसिव थे, उस वक्त के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव थे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती थी काम करने के लिए। फिर इसके बाद है कि फोर्थ जो उनका फीचर है, ये कंप्यूटर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते थे तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, और अक्सर ऐसे होता था कि ये चलते चलते जो है वो बंद हो जाते थे, यानी कि इनमें ख़राबी आ जाती थी क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दीज कंप्यूटर्स कुड ओनली परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, एक वक्त में एक काम कर सकते थे। तो ये इनके फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन। आपको फीचर्स आते होंगे तभी आप इनके बारे में डिफरेंसेस लिख सकते हो। हर जनरेशन के आपको ये फीचर्स जो हैं वो याद रखने हैं। इसके बाद एनीक और यूनिवेक इनकी एग्जांपल्स हैं। हर जनरेशन जो जितनी भी जनरेशन्स हैं सबकी आपको एग्जांपल याद रखनी है, तो यहाँ पे एनीक और यूनिवेक आर दी एग्जांपल्स। इसके बाद बात आती है कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी और मैग्नेटिक ड्रम क्या थे। मैग्नेटिक ड्रम जो है वो स्टोरेज मीडियम है, यानी कि इस पे डाटा स्टोर किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब क्या है, हॉलो ग्लास ट्यूब थी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन गन जो जो फायर होते थे वो जो है वो फ्लो करते थे। इसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन, ये है 1954 से लेकर जो 1964 तक जितने भी कंप्यूटर्स थे उन्हें क्या नाम दिया जाता है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब इनके फीचर्स क्या हैं, सेकेंड जनरेशन के फीचर्स, ये स्मॉल इन साइज़ थे। सेकेंड जनरेशन
एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स. इन में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे. फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती नज़र आती हैं और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे. तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ रहा है. इसके बाद आ गया कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की निस्बत इनकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई थी. इसके बाद देवर लेस एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बिजली कम इस्तेमाल करते थे और फर्स्ट जनरेशन की निस्बत सस्ते थे. फिर आ गया कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आल्सो गेव आउट हीट. ये भी हीट प्रोड्यूस करते थे लेकिन उससे कम जितनी फर्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते थे. दीज कंप्यूटर्स आल्सो गेव आउट हीट बट इट वॉज लेसर देन हीट प्रोड्यूस्ड बाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. कहते हैं कि ये कंप्यूटर्स भी हीट प्रोड्यूस करते थे लेकिन ये उससे कम थी जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती थी. फिर हीट कम प्रोड्यूस होने की वजह से ये ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि ये ज़्यादा काम कर सकते थे. ड्यू टू लेस हीट प्रोडक्शन दे वर मोर रिलायबल. इसके बाद है स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन दीज कंप्यूटर्स वाज डन ऑन मैग्नेटिक कोर्स. मैग्नेटिक जो है वो प्लेट्स या कोर्स यूज़ होते थे इसमें डाटा स्टोरेज के लिए, जबकि फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे. तो ये टेक्नोलॉजी डिफरेंस है. अब आ गया कि ट्रांजिस्टर क्या होता है. ट्रांजिस्टर इज़ ए सेमी कंडक्टर विच हेल्प्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांजिस्टर ऐसा एक कंडक्टर है या ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इसको मदद देता है फ्लो करने में. तो ये वैक्यूम ट्यूब की जगह इसने ले थी सेकंड जनरेशन में. अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की. थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हैं वो कब से कब तक हैं, 1965 से 1975 तक ये कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन कहलाते हैं. थर्ड जनरेशन के फीचर्स क्या हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फॉलोइंग फीचर्स. देवर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे थे. और क्या था, वर लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू जनरेशंस. पिछली दोनों जनरेशन से, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, साइज़ में छोटे थे और दूसरा इनमें जो सस्ते मिल जाते थे उनकी निस्बत. और दे वर हायर प्रोसेस, दे हैड हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी. ये बिजली कम इस्तेमाल करते थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई थी. इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन थर्ड जनरेशन वाज दैट दीज कंप्यूटर्स हैड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनमें सबसे आम बात क्या थी कि ये ICs यूज़ करते थे. IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आप IC भी कहते हो. ICs इंक्रीज्ड द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स. तो जब ICs यूज़ हुए तो इनकी वजह से क्या हुआ, स्पीड में फ़र्क आया, स्पीड ज़्यादा हो गई और काम करने की सलाहियत बढ़ गई. दीज कंप्यूटर्स को डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. ये एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते थे. हेंस दे बिकेम वेरी पॉपुलर. इसीलिए ये कंप्यूटर ज़्यादा मशहूर हुए. दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर द फर्स्ट टू हैव इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड मॉनिटर अटैच टू देम. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, ये इनमें पहली दफ़ा क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि कीबोर्ड मॉनिटर और माउस वगैरह यूज़ हुए. तो इससे पहले इस तरह की डिवाइसेस यूज़ नहीं हुई थी. फिर थर्ड जनरेशन में एक और फीचर क्या है कि इनमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती थी और दूसरी क्या चीज़ थी, देवर मोर रिलायबल देन दी कंप्यूटर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन. ये पिछली तमाम जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन थी उनसे ज़्यादा काम कर सकती क्योंकि हीट इनमें कम, बहुत कम प्रोड्यूस होती थी. फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता होना चाहिए, ये
छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच हेल्प्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद देता है। तो पहली जनरेशन में आपको क्या यूज़ हुआ था, आप देखा ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो गए, सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन की बात आती है, ये कंप्यूटर्स 1975 से ऑनवर्ड्स अभी तक यूज़ हो रहे हैं, और द मेन फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर, इनके मेन फीचर्स क्या हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, जो प्रीवियस जितनी भी जनरेशन थे ये इनमें छोटे हैं सबसे, और इनमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप जो आपको टेबल पे रखा हुआ नज़र आता है, और लैपटॉप्स जो आपने देखे हुए हैं, लैपटॉप आप इसको लैब्स में रख सकते हैं, साथ लेके जा सकते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर जैसा कि मोबाइल्स या टैबलेट्स, तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। दीज कंप्यूटर्स यूज़ माइक्रो प्रोसेसर, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मीन्स कि एक छोटी सी चिप होती है जो प्रोसेसिंग करती है, जिसे CPU कहते हैं। दे हैव इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस इन देम, तो इनमें क्या होता है, इन कंप्यूटर्स में फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है, इनमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे आप इन देखते हो कीबोर्ड माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इसी तरह प्रोसेसिंग डिवाइस आपको नज़र आती है, जैसे आप सिस्टम यूनिट कहते हो या CPU कहते हो, और इसके अलावा मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारी डिवाइसेस आपको यूज़ होती नज़र आती हैं। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज़ वेरी फास्ट, इन कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा क्या है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, नेग्लिजिबल का मतलब है कि बहुत कम मिकदार में हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, थकते नहीं हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स हैव मैनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ट इनटू स्मॉल सिंगल सिलिकॉन चिप, माइक्रो प्रोसेसर्स की बात हो रही है, इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, उनमें बहुत सारी ICs लगी होती हैं, एक छोटी सी चिप होती है जिसमें बहुत सारी ICs लगी होती हैं, ठीक है, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये जनरेशन जो है अभी भी मौजूद है और इस पर फर्दर काम हो रहा है, ठीक है, अभी भी ये इस्तेमाल में है, जैसा कि आप बैंक्स में देखते हो ATMs मशीन लगी हैं, और इसके अलावा आप देखते हो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स को आप कोई चीज़ बोलते हो तो वो सीधा आपको सर्च करके दे देते हैं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है, ये यूज़ हो रहा है, और ये आपको हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, यानी कि मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, रोबोट्स की सूरत में नज़र आएंगे, तो इसके अलावा फैक्ट्रीज में जैसे रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, आप जाते हो, आपने इम्प्रेशन देखा होगा कि आप सेंसर के ज़रिए आपकी अटेंडेंस हो जाती है, कि आप मशीन सामने से गुजारते हैं और क्या होता है कि वो स्कैन कर लेती है आपका फेस और फिर आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेती है, आपने देखी हुई है कि आप थंब इम्प्रेशन जो आपका कंप्यूटर जो वो रीड कर लेता है, या ऐसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर कौन चेक करते हैं, रोबोट्स चेक करते हैं, तो ये सारी एग्जांपल्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की हैं। इनके फीचर्स क्या हैं, दीज कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इनका फीचर है, दैट दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन विल बी एबल टू थिंक एंड मेक डिसीजंस, ये कंप्यूटर क्या कर सकेंगे, सोच सकेंगे और कुछ फैसला कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, दिस मीन्स दे विल हैव मोर देन वन CPU, एक से ज़्यादा CPU होगा, यानी कि तय बते इनके, जिस तरह आप बुक्स को ऊपर नीचे रख देते हो, इनके CPU इस तरह से बने होते हैं, और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात हुई है। अब हम चलते हैं आपके यूनिट के
की एक्सरसाइज है, तो आपने यूनिट की एक्सरसाइज खुद से अटेम्प्ट करनी है। इस वीक में जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको ये साथ में मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये आपके फिफ्थ जनरेशन के जितने फीचर्स हैं ये आपने लिखे होंगे एक वर्कशीट में। दूसरे है आपने करेक्ट चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, इनकी जो आंसर की है इन वर्कशीट की, ये मैं आपको जो इस वीक में नेक्स्ट क्लास होगी तब आपको भेज दूँगा। तो ये आपका साथ में पिक्चर्स होंगी कुछ, आपके मेन फ्रेम किस तरह के होते हैं ये सारी आपको मैं भेज रहा हूँ, सुपर कंप्यूटर्स किस तरह के होते हैं ये सब के। तो ये आज का आपका लेसन है। अस्सलाम वालेकुम।